हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो आने वाले सभी सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक नियंत्रण की अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति है विवाह, संविधान, परिवार, सामाजिक संहिता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण की अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति परिवार है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है? प्रवास, उर्वरता, मरणशीलता, ये सभी राइट आंसर बताइए। कौन सा कारक किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो जनसंख्या के आकार, गठन, भौगोलिक वितरण तथा उनमें जन्म, मृत्यु, विवाह एवं देशांतर गमन के कारण होने वाले परिवर्तनों को सांख्यिकी एवं गणितीय अध्ययन करता है, उसे कहते हैं जनांकिकी, सामाजिक जनसंख्या, आर्थिक जनसंख्या, जनसंख्या अर्थशास्त्र। राइट आंसर बताइए। तो उसे जनांकिकी विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्या घनत्व तो सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? पार्सन्स, दुर्खिम, सिमेल, प्लेटो राइट आंसर बताइए। जनसंख्या घनत्व तो सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, राइट आंसर क्या होगा? ये परिभाषा, ये विचार किस समाजशास्त्री का है? ये धारणा है इमाइल दुर्खिम की, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन से कारण अत्यधिक मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है? प्राकृतिक प्रकोप, गरीबी, उचित आवास का अभाव, संक्रामक रोग, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, उपरोक्त सभी राइट आंसर बताइए। भारत में निम्न में से कौन से कारण अत्यधिक मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन फोर राइट आंसर है इसमें। प्राकृतिक प्रकोप आता है तब भी मृत्यु दर अधिक होती है, गरीबी के कारण, उचित आवास के अभाव के कारण भी, संक्रामक रोग के कारण भी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण भी, ये सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीड़ित अपराध से क्या तात्पर्य है? मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये सभी अपीड़ित अपराध से क्या तात्पर्य है? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि जात एक मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम है? योगेश अटल, एम मोफट, लुईस ड्यूमा, एच सी दुबे। कौन ये मानता है कि जात एक मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम है? लुईस ड्यूमा मानते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? समुदाय, विवाह, समाज, समिति। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? समाज नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्था के प्रकार को गोचर और अगोचर रूप में विभाजित किया? किंग्सले, डेविस, पार्सन्स, जॉनसन, मर्टन राइट आंसर बताइए। संस्था के प्रकार को गोचर एवं अगोचर के रूप में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होते, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें
एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलनकारी व्यवहार अत्यधिक पाया जाता है। मंद गति से परिवर्तन समाज में, तीव्र गति से परिवर्तित समाज में, स्थित समाज में, ऐसे समाज जो दूसरे समाज के संपर्क में नहीं है। राइट आंसर बताइए। विचलनकारी व्यवहार अत्यधिक पाया जाता है, तीव्र गति से परिवर्तित समाज में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, मनोरंजन के साधनों का अभाव, भाग्यवादिता, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह की अनिवार्यता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। भारत में पूछा है कि अधिक जन्म दर के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो ये सभी कारण उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर होगा। गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन और चिकित्सा सुविधा का अभाव है, मनोरंजन के साधन का अभाव है, भाग्यवादिता है, संयुक्त परिवार प्रणाली में पुत्र को ज़्यादा वरीयता दी जाती है और इसलिए भी जनसंख्या अत्यधिक जन्म दर होती है, विवाह की अनिवार्यता होती है, विवाह करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है? जैविकी कारकों से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, उपरोक्त सभी कारकों से। राइट आंसर बताइए। किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है। राइट आंसर बताइए। उपरोक्त सभी कारकों से। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदर्श शून्यता के अर्थ को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ग संघर्ष, जनांकिकी परिवर्तन, सामाजिक विकास, प्रतिमान रहित दशा। आदर्श शून्यता के अर्थ को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर बताना है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, प्रतिमान रहित दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती? कोरकू, बैगा, टोडा, अगारिया। कौन सी जनजात मध्य प्रदेश में निवास नहीं करते? टोडा जनजात। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम नियोजन जिस समाज में लिंग और आयु पर आधारित होता है उसे कहते हैं? जैविक दृष्टि से सुदृढ़ समाज, यांत्रिक दृष्टि से दृढ़ता वाला समाज, लिंगात्मक दृष्टि से दृढ़ समाज, सामाजिक दृष्टि से दृढ़ समाज। राइट आंसर बताइए। लिंग और आयु के आधार पर जो समाज होता है उसे दुर्खीम ने दो प्रकार के समाज बताए थे, यांत्रिक और सावयवी समाज। तो यांत्रिक समाज में जो श्रम विभाजन होता था वो लिंग और आयु के आधार पर होता था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ प्रचलित रहे हैं? 1, 2, 4, 7। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ प्रचलित हैं? तो चार पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण कालीन वृद्धि का क्या तात्पर्य है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। संक्रमण कालीन वृद्धि से क्या तात्पर्य है? उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी, अंतःनिर्भरता की उच्च मात्रा। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? तो भाग्यवादी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बप्पा ने, ज्योतिबा फूले ने, बी आर अम्बेडकर ने। जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य का विकास, तीन युग, प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग और विचार विमर्श का युग से माना है? फिलीमोर, ब्रंटसली, बेछार्ट, गार्नर। राइट आंसर बताइए। किसने राज्य का विकास, तीन युगों, पहला है प्रथाओं का युग, दूसरा है संघर्ष का युग और तीसरा है विचार विमर्श का युग। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बेछार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य का विकास तीन स्थितियों, जनजात, सैनिक एवं औद्योगिक स्थिति से माना है? फिलीमोर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाबर एवं पेज मॉर्गन। जनजात, सैनिक एवं औद्योगिक स्थिति से माना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिन सॉफ्ट एवं गेसल सॉफ्ट की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, टॉनिज। राइट आंसर बताइए। गेमिन सॉफ्ट समुदाय, गेसल सॉफ्ट समाज या समिति। यह अवधारणा दी है टॉनिज ने, फर्डिनेंड टॉनिज ने। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शूद्र लड़के के का विवाह जो है, एक शूद्र लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह होता है, तो ये विवाह किस प्रकार का विवाह है? अनुलोम विवाह, कुलीन विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह। शूद्र लड़के का विवाह ब्राह्मण की लड़की से हो रहा है, तो ये प्रतिलोम विवाह होगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु समूह में कौन सा समूह वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है? 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष तक, 75 से 100 वर्ष तक। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सा समूह वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, 50 से 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था परिवार एवं विवाह एक पूरक अवधारणा है जिसमें विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है? लोवी, वेस्टरमार्क, रिवर्स, मेलनोवस्की। परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं जिसमें विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है, ये परिभाषा है बेस्टर मार्ग की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संदर्भ में अस्पृश्यता के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी है? परिवार, धर्म, संस्कृत, जाति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने यह कहा था हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? एड जियोनी, मैक्स वेबर, रॉबर्ट प्रेस्थर्स, पार्सन्स। हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एड जियोनी। कई बुक में इसका आंसर
एडजीओ ने दिया है, तो कई बुक में पार्सन्स भी दिया है। और पार्सन्स टेलकॉट पार्सन्स भी जो है समाज में प्रकार को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, वो संघर्ष की बात ही नहीं करते हैं, वो हमेशा व्यवस्था बनी रहे यही बात करते हैं। तो एडजीओ ने भी दिया है और पार्सन्स भी दिया है। आप लोग कन्फर्म करके कमेंट करिए कि कौन सा सही होगा, पार्सन्स या एडजीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा मूल रूप से किस विचारक ने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, लिंटन, ऑस्कर लेविस, ऑकबर्न। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा मूल रूप से किस विचारक ने प्रतिपादित की है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह हमेशा जनसंख्या के एक हिस्से के हितों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं मानो वे सभी के हित में हो, यह कथन निम्न में से किसका है? जेटलिन, जॉनसन, लिप्शट, माइकल। राइट आंसर बताइए। दबाव समूह हमेशा जनसंख्या के एक हिस्से के हितों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं मानो वे सभी के हित में हो, तो ये परिभाषा है हैरी एम जॉनसन की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिवर की अवधारणा किसने दी? बेबलिन, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिज, कार्ल मार्क्स। विलासिवर की अवधारणा थर्स्टीन बेबलिन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के अंतर्गत भूमिकाएं किस प्रकार की होती हैं? सहयोगात्मक, समरूप, अंतःनिर्भर, सात्मिकृत। संगठन के अंतर्गत भूमिकाएं किस प्रकार की होती हैं? अंतःनिर्भर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिका में कुलीन शासन की तीन मुख्य संस्थाओं की पहचान की? सी राइट मिस, पैरेटो, मैक्स वेबर, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। तो तीन मुख्य संस्थाओं, कुलीन शासन की तीन मुख्य संस्था की बात सी राइट मिल्स ने की थी, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था और सैन्य संस्था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले किस विचारक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था संघर्षमय थी? कार्ल मार्क्स, रूसो, जॉन लॉक, हॉब्स। प्राकृतिक अवस्था संघर्षमय थी, ये किसका मानना था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगमन विश्लेषित करता है दो परिवर्तों के बीच के संबंधों की प्रकृति, दो परिवर्तों के बीच निरर्थक संबंध, त्रुटियों के मापन को नहीं प्राप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। प्रतिगमन विश्लेषण व्यक्त करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, त्रुटियों के मापन को नहीं प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्धनता को दूर रखने के कार्यक्रम मात्र सौंदर्य बोधक हैं? जनता पार्टी दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम। किस राजनीतिक दल ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्धनता को दूर करने के लिए कार्यक्रम मात्र सौंदर्य बोधक है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का मत है कि परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारों एवं बृहद समुदाय से पृथक हो जाना है? मर्डॉक, पार्सन्स, किंग्सले डेविस, एडमंड लीच। राइट आंसर बताइए। परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारों में बृहद समुदाय से पृथक हो जाना है, ये मत है मर्डॉक का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता धर्म की ही भांति वैयक्तिक, मानसिक, मस्तिष्क की एक स्थित
एक अलौकिक भक्ति विचार का एक तरीका, विचार और रहने का एक तरीका है। यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? प्रूधो, हर्बर्ट स्पेंसर, गोडार्ड फिशर, रैमजे मूर। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीयता धर्म की ही भांति वैयक्तिक मानसिक मस्तिष्क की एक स्थिति, अलौकिक भक्ति विचार का एक तरीका, विचार और रहने का एक तरीका है। ये विचार है रैमजे म्यूर का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है, ना ही श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न क्रांति और न परपाटी की देन, न केवल परिवार का विस्तार, यह कथन किसका है? राइट आंसर बताइए। राज्य न तो ईश्वर की कृति है और न ही श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न क्रांति और न परपाटी की देन, न केवल परिवार का विस्तार है, ये मत है गवर्नर का। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सी राइट मिल्स के पावर एलिट की अवधारणा की आलोचना की? मार्क्स वेलजेस, मैकाबर व पेस, शोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। सी राइट मिल्स के पावर एलिट की अवधारणा की आलोचना किसने की है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, मार्क्स व एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत संकुल संस्तरीकरण व्यवस्था नहीं है, किससे संबंधित है? आवासीय समुदाय, नगरीय समुदाय, भ्रमणशील समुदाय, कृषि समुदाय। राइट आंसर बताइए। जिसके अंतर्गत संस्तरीकरण व्यवस्था नहीं है, किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, भ्रमणशील समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, वरन ये लोगों का समूह है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, शोरोकिन, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम। राइट आंसर बताएं। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, वरन ये लोगों का समूह है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, फ्रेजर, मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत से संबंधित उद्विकासी विचारधारा को 3 स्वरूपों, समरेखीय, सार्वभौमिक और बहुरेखीय में विकसित किया? लेस्ली वाइट, स्टीवर्ट, मार्शल सैलेंस, एलमन सर्विस। राइट आंसर बताइए। संस्कृति से संबंधित उद्विकासीय विचारधारा को 3 स्वरूपों में, पहला समरेखीय, दूसरा सार्वभौमिक, तीसरा बहुरेखीय में किसने विकसित किया? लेस्ली ए वाइट ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? आनुवंशिक विशेषताओं में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में बदलाव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में परिवर्तन, जीवन शैली एवं व्यवहार के ढंग में परिवर्तन। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? जीवन शैली एवं व्यवहार के ढंग में परिवर्तन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में किस प्रकार का जीवन था? साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस, वैयक्तिक एवं औपचारिक। राइट आंसर बताइए। कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में जीवन किस प्रकार था? वैयक्तिक एवं औपचारिक था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रतिस्पर्धा कहा? ब्रूम एवं सेल्जनिक, डॉसन एवं गेटिस, मैकाबर एवं पेस, गिलिन एवं गिलिन। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, गिलिन एवं गिलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिनियम या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किए गए प्रयत्न को क्या कहते हैं? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, असहयोगी सामाजिक विघटन। राइट आंसर बताइए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिनियम या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किए गए प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था के द्वारा करते हैं, क्या कहते हैं उसे? समाज, समुदाय, संस्था, सामूहिकता। राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं, समुदाय कहेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जात समूह। राइट आंसर बताइए। दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहते हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, विशिष्ट हित समूह। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में भी डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।